गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 26. कल आपको मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, आज हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे. थर्ड आपको होमवर्क में करना है. फोर्थ वाला देखिए क्या है इसमें. इन अ पब्लिक लाइब्रेरी देयर आर 78,536 बुक्स ऑन लिटरेचर. एक लाइब्रेरी में लिटरेचर पे टोटल कितनी बुक्स हैं? 78,536. 25,081 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स. मैथ्स की कितनी बुक्स है लाइब्रेरी में? 25,081. 12,534 बुक्स ऑन अदर सब्जेक्ट्स. दूसरे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो इतनी है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दी लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स है वो हमें फाइंड करना है. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिटरेचर की बुक्स जो है, और ये मैथमेटिक्स की बुक्स है, और ये अदर सब्जेक्ट्स की बुक्स है, इनको आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएगा. कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट सेंटेंस आप लिखेंगे बुक्स ऑन लिटरेचर. लिटरेचर में कितनी बुक्स हैं? 78,536. प्लेस वैल्यू आप मार्क करेंगे. बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, मैथ्स की टोटल इतनी बुक्स हैं. बुक्स ऑन अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी में कितनी है? इतनी. अब टोटल बुक्स आप कैसे फाइंड करेंगे? इन सारी बुक्स को ऐड करना है. कैसे ऐड करना है? वंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनको आप ऐड करेंगे. 6+1 का वैल्यू क्या आएगा? 7. 7 में आप 4 ऐड करेंगे, यू विल गेट 11. तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 11 का 1 आपको यहाँ लिखना है, और ये 1 आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. कैरी को हम सर्कल से शो करते हैं. अब इस कैरी को आप इस 3 में ऐड करेंगे. 1+3 का वैल्यू क्या आएगा? 4. 4 में 8 ऐड कीजिए, 12. 12 में आप 3 ऐड करेंगे, यू विल गेट 15. 15 का जो आप 5 है वो आप नीचे आंसर में लिखेंगे, और ये जो 1 है वो नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी ऐड करेंगे. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किया, इस कैरी को फिर से आप 1 इसमें ऐड करेंगे. 1+5 6. 6 में 0 ऐड करेंगे, वैल्यू सेम रहेगी 6. अब 5 ऐड कीजिए इसमें, 11 आएगा. 11 का 1 और ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा. 1+8 का वैल्यू क्या आएगा? 9. 9 में आप 5 ऐड कीजिए, यू विल गेट 14. 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा. 16 का 6 आप यहाँ लिखेंगे और 1 नेक्स्ट वाली लाइन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 1+7 का वैल्यू क्या है? 8. इन दोनों को ऐड कीजिए, आंसर आपको क्या मिलेगा? 8. 8 में आप 2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10. 10 में 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट 11. अब यहाँ पे नेक्स्ट कोई लाइन नहीं है, 11 आप पूरा नीचे लिखेंगे. ये आपका फाइनल आंसर है, 1,16,151. ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स. तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइड में टोटल नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया. आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करना है. इसके बाद फिफ्थ वाला आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क में है. इसमें हमें नंबर ऑफ मैन गिवन है, नंबर ऑफ वेमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. टोटल हमें पीपल बताने हैं. हाउ मैनी पीपल वर प्रेजेंट एट दी मीटिंग. मीटिंग में टोटल कितने लोग प्रेजेंट हैं? अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ. फिफ्थ वाला थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैन. नंबर ऑफ मैन कितने हैं फोर्थ में? फिफ्थ वाला देखिए, 26,493. ठीक है, इसके नीचे आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेमेन, वो कितनी है? इसमें लिखा होगा 32,597. ठीक है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप लिखेंगे. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसका लिखिए 8,372. इनकी प्लेस वैल्यू मार्क करेंगे. ठीक है, अब टोटल पीपल कितने होंगे, इनको ऐड करके आपको वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, ये आप अपने आप से होमवर्क में करेंगे. इन तीनों नंबर्स को आपको ऐड करना है. ऐड करके जो आंसर है वो आप यहाँ लिखेंगे. अब सिक्स वाला चेक कीजिए. सिक्स में क्या है? अ साइकिल फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 1,13,851 साइकिल्स इन ईयर 2001.
2001 में टोटल कितनी साइकिल प्रोड्यूस हुई हैं, एक फैक्ट्री ने इतनी साइकिल्स बनाई हैं, और 2002 में कितनी साइकिल्स बनाई है, 14,000, 2,14,670, और 2003 में कितनी साइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट वाज द प्रोडक्शन इन दी दीज थ्री इयर्स, इन तीनों साल में टोटल कितनी साइकिल बनाई गई है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। 2001 में जितनी साइकिल बनी है वो नंबर आप लिखेंगे, 2002 में जो साइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं वो आप लिखेंगे, उसके बाद 2003 में जो साइकिल्स प्रोड्यूस हुई हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। साइकिल्स प्रोड्यूस इन 2001 वैल्यू क्या आएगी, 1,13,851। ऊपर आप प्लेस वैल्यू मार्क करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड दिस वन इज लैख। अब 2002 में साइकिल कितनी बनाई गई हैं, 2,14,670, ठीक है। साइकिल्स प्रोड्यूस इन 2003 में कितनी साइकिल्स बनी हैं, 2,89,570। अब आपको क्या करना है, टोटल साइकिल्स हमें बतानी है कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, यहाँ प्लस का साइन यूज़ करना है। अब देखो वंस प्लेस की डिजिट्स को ऐड कीजिए, 1 + 0 + 0 वैल्यू 1 ही आएगी, 5 + 7 5 को 7 में ऐड कीजिए, यू विल गेट 12। 5 में 7 ऐड करेंगे, आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके वैल्यू आपको मिलेगी 12। 12 में आप 7 ऐड कीजिए, 12 में 7 ऐड करेंगे, यू विल गेट 19। अब देखो 19 का आपको 9 यहाँ लिखना है आंसर में, और ये जो 1 है ये आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर 1 को 8 में ऐड कीजिए, 1 + 8 का वैल्यू क्या आएगा, 9। अब इस 9 में 6 ऐड करेंगे, आपको 15 मिलेगा, 15 में ये 5 ऐड करेंगे, यू विल गेट 20। 20 का 0 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, 20 का जो 0 है वो आप आंसर में लिखेंगे, और ये 2 आप नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको आप सर्कल से शो करेंगे। अब आप 2 में 3 ऐड कीजिए, 2 में 3 इस कैरी को आप इस नीचे वाले नंबर में ऐड करेंगे, 2 + 3 का वैल्यू क्या आएगा, 5, 5 में 4 ऐड करेंगे, 9, 9 + 9, 18, 18 का 8 आपको यहाँ लिखना है, 1 नेक्स्ट वाली लाइन में कैरी फॉरवर्ड करना है। 1 + 1 का वैल्यू 2, 2 + 1 3, 3 + 8 11, इनको ऐड करेंगे 6 आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ साइकिल, ठीक है, साइकिल का टोटल जो प्रोडक्शन हुआ है वो आपका ये आंसर में मिल गया, ये आपका फाइनल आंसर है। अब सेवन्थ वाला आपको होमवर्क में करना है। सेवन्थ में क्या है, हमें बॉयज़ गिवन है, एक एग्ज़ाम में बॉयज़ कितने प्रेजेंट हैं, और ये क्या है गर्ल्स, हमें बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, तो आप क्या करेंगे, बॉयज़ को और गर्ल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। बॉयज़ के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिल जाएगा, तो ये सेवन्थ वाला आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद एट्थ वाला देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स, इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, 2,63,519। सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, 2,58,343। और जो थर्ड कैंडिडेट है उसको वोट्स कितने मिले, 1,30,753। अब हमें ये बताना टोटल कितने वोट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब फर्स्ट कैंडिडेट एट वाला देखिए, फर्स्ट कैंडिडेट गोट वोट्स, फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे 2,63,519। इनकी प्लेस वैल्यू मार्क कीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड दिस वन इज लैक।
सेकंड कैंडिडेट गोट वोट्स, सेकंड कैंडिडेट को टोटल कितने वोट्स मिले हैं? 2,58,343, और जो थर्ड कैंडिडेट है उसको वोट्स मिले हैं 1,30,753। अब आपको टोटल वोट्स बताने हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर में टोटल वोट्स मिल जाएंगे। ये आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हैं, इनको वैल्यू ऐड करके आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 6,52,615। ठीक है, ये आपको कॉपी में सॉल्व करना है। इसके बाद ये 9th वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये बिल्कुल जैसे सेकंड है वैसे ही है, इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करके लिखना है। 10th वाला, इस 10th क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? एक जो डेयरी है, दूध की डेयरी है, मिल्क डेयरी, वो इतना लीटर दूध जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करती है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में कितना मिल्क प्रोड्यूस किया ये, और थर्ड मंथ में इतना मिल्क प्रोड्यूस किया है। हमें बताना है टोटल मिल्क कितना प्रोड्यूस हुए 3 मंथ्स में। तो फर्स्ट मंथ में कितना मिल्क प्रोड्यूस हुए वो आप यहाँ लिखेंगे, मिल्क प्रोड्यूस इन फर्स्ट मंथ, मिल्क प्रोड्यूस इन सेकेंड मंथ, वो आप वैल्यू यहाँ नीचे लिखेंगे, एंड मिल्क प्रोड्यूस इन थर्ड मंथ, इसमें ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर। अब आपको क्या बताना है टोटल, ठीक है, हाउ मच मिल्क वॉज प्रोड्यूस एट दिस डेयरी इन दीज 3 मंथ्स। तो मिल्क यहाँ पे क्या लिखोगे, ये इनको ऐड करके आपको आंसर मिलेगा, आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ लिखोगे मिल्क प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 3 महीने में कितना मिल्क का प्रोडक्शन हुआ वो वैल्यू ऐड करके आएगा, ऊपर प्लेस वैल्यू आप मार्क करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक। अब देखो वंस प्लेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे 0 आएगा, टेंस प्लेस की डिजिट को ऐड करके क्या आएगा, ठीक है, 4+8 12, 12+9 21, 21 का 1 यहाँ लिखना है, 2 आप नेक्स्ट वाली लाइन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 2+3 5, 5+9 14, 14+1 15, 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, 1 नेक्स्ट वाली लाइन में ऊपर कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको ऐड कीजिए, ऐड करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको आगे का सॉल्व करना है। ठीक है, 1+6 7, 7+5 12, 12+8 20, 20 का 0, 2 ऊपर आएगा कैरी फॉरवर्ड, अब इनको ऐड कीजिए आपको क्या मिलेगा, 16, 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 नेक्स्ट वाली लाइन में कैरी फॉरवर्ड, इनको ऐड करेंगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 7। तो ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।